देन वी हार्ट कैंसर इन 4,000, नहीं बोलेगा ये तो बोला किसी ने कि रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहेगा आपका, ठीक है, ये नहीं बोला कि द पीस विल कम फ्रॉम मैरिज, दिस नेटिव्स हैप्पीनेस एंड पीस विल कम आफ्टर मैरिज, ठीक है, मैरिज और घर जुड़ा हुआ है, सो इट विल बी कि मैरिज के साथ में आपको घर, नया घर, नया प्लेस ये मिल सकता है। सेकेंड हाउस मून है, इसका मालिक होकर के यहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे मालूम कि भैया बहुत सारा आपका जो फाइनेंशियल चीजें हैं, क्या होता है आपने बहुत सारे अपने भाई बहनों को बहुत सारा पैसा दे रखा है एज अ कर्जे के रूप, कर्जा इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम इन योर फाइनेंशियल थिंग्स, मनी आपकी, क्योंकि सेकेंड हाउस का मालिक होकर के ओरिजिनल यहाँ पे बैठा है मून, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी नहीं थी, देयर वाज सम इश्यूज इन योर अर्ली अपब्रिंगिंग, क्यों, क्योंकि मून खराब है, मून इज द सीट, ठीक है, क्योंकि नेटिव का जो लगन से प्लेसमेंट है मून का, दैट इज टेलिंग यू इट इज अवे, सो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे आप सब कुछ उड़ा भी दो तो मुझे मालूम है कि सेकेंड जो मून का घर है ओरिजिनली वो ये है, और मून वहां से यहाँ बैठा है, मतलब हमें मालूम है टॉरस इज द नेचुरल हाउस ऑफ मून, है ना, लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। चलो प्रिडिक्शन करना चालू करते हैं, सबसे पहले तो किसी ने ये नहीं बोला कि भैया वी हैव एरीज इन फोर्थ हाउस, ठीक है, तो विल स्टार्ट विद एरीज ओनली ना, एरीज की जितनी टेक्निक बताई थी भाई कि ही विल बाय अ न्यू प्रॉपर्टी, ही विल गो एंड लिव इन अ न्यू प्लेस, अपने होम टाउन होमलैंड को छोड़ करके एक अलग जगह रहना शुरू करोगे, ये तो किसी ने नहीं बोला, ठीक है, मदर विल बी लाइक ना वेरी फिजिकली वेल एंड ओरिएंटेड हेल्थी, मतलब अपने पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रांग होंगे, एंड शी विल बी द वन हु विल इंस्टिल अ लॉट ऑफ लाइक ना हेल्थ एंड फिटनेस को ध्यान रखने का, बहुत ज्यादा पर्सनैलिटी नेटिव के अंदर वो डालेंगे, ठीक है, विल स्टार्ट विथ एरीज, ठीक है, एरीज की वजह से, देन वी सेड नोबडी टॉक्ड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर हियर, किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात ही नहीं करी भैया कि किड्स, ये नेटिव विल बी वेरी अलाइंड टुवर्ड्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किड्स, ठीक है, वेरी मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स लाइक ना टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी स्कूल और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये बात नहीं करी आप लोगों में किसी ने, ठीक है, देन वी हैव थर्ड हाउस, किसी ने नहीं बोला कि माँ दो बहनें होंगी, पत्नी भी दो बहनें होंगी, किसी ने नहीं बोला, ठीक है, फॉरगेट दैट, देन वी हैड कैंसर इन 4,000, नहीं बोलेगा ये तो बोला किसी ने कि रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ रहेगा आपका, ठीक है, ये नहीं बोला कि द पीस विल कम फ्रॉम मैरिज, दिस नेटिव्स हैप्पीनेस एंड पीस विल कम आफ्टर मैरिज, ठीक है, मैरिज और घर जुड़ा हुआ है, सो इट विल बी कि मैरिज के साथ में आपको घर, नया प्लेस ये मिल सकता है, तो ये तो बेसिक तक, तो 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, मतलब हर से दो दो प्रेडिक्शन, तो 8 तो ऐसे ही आ जाते, देन वी एवरीबडी वॉज फोकस ऑन 7th लॉर्ड इन 6th हाउस, ठीक है, 7th लॉर्ड 6th हाउस में, ठीक है, माना कि 7th लॉर्ड 6th हाउस में है, मैरिज में इश्यू कराएगा, लेकिन क्या कर रहा है एग्जैक्टली, क्या पता कर रहा है, बोलो ना भैया कि आप जो आपकी वाइफ होंगी शी विल बी ऑलवेज ऑन फोन विथ हिज सिबलिंग्स एंड दैट इज द मेन कॉज ऑफ योर डिस्प्यूट, बहुत ज्यादा अपने भाई बहनों से बात करने की वजह से प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि भाई जेमिना इन्वॉल्व है ना, यू आर योर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि छठे घर में वही जा रहा है ना, इज द प्रॉब्लम, यू आर समबडी हु इज नॉट इनटू टॉकिंग मच बिकॉज आपका जेमिना इज इन द 6th हाउस, आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन पसंद नहीं करते, एंड योर पार्टनर इज लाइक टू मच इनटू कम्युनिकेशन, शी इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद एवरीथिंग अबाउट लाइक ना सिबलिंग और सब कुछ जो हो रहा है कि मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, आज बहन मेरे घर में ये खाना बनाया है, आज मेरे घर में ये दलिया बनी, मेरी माँ ने मुझे ऐसा बोल दिया, सब कुछ बताया पड़ी है, उसी बात से आपकी प्रॉब्लम हो रही है, उसी बात से लड़ाई हो रही है, या फिर आपकी जो बहनोई है आपके जो वो है, दीज आर द मेन सोल रीजन बिकॉज ऑफ विच योर मैरिज इज स्ट्रगलिंग, लिंक हो गया ना, मतलब इस तरह से जेमिना इन्वॉल्व हो गया है, सो यू कैन से योर वाइफ इज ऑल्सो लाइक ना इनकी टू मच फ्रेंडशिप है, शी इज हैविंग सम फ्रेंड्स जिनसे ऑलवेज देर इज अ कंपेरिजन, अभी हमने 6th हाउस नहीं समझा क्या है, सो देर इज ऑलवेज क्रिटिसिज्म, कंपेरिजन एंड क्रिटिसिज्म विद फ्रेंड्स एंड दिस थिंग, कि मेरी दोस्त तो दुबई चली गई घूमने के लिए, हम हनीमून के लिए गोवा ही जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है,
सो लुकिंग एट दिस, पहली बात ठीक है, रिलेशनशिप पे तुमने पकड़ा, माँ दो बहनें होंगी, बट ये भी देखो सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, एवरीथिंग फॉरगेट यू, सिर्फ इसको ध्यान से लूंगी, मून जेमिनाय सिक्स्थ हाउस, मदर को ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, ये किसी ने नहीं बोला, कुछ कुछ है, मून जेमिनाय, जेमिनाय लंग्स बताया था, सिक्स्थ हाउस रोग, मदर को जेमिनाय ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, मदर के भाई बहनों को इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे उनको, कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट था कि मदर के कोई भाई होंगे बहन होंगे जो जो कि मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, बिल्कुल सही बोल बात करी कॉन्वर्सेशन, ठीक है, क्योंकि नेटिव का जो लगन से प्लेसमेंट है मून का, दैट इज टेलिंग यू इट इज अवे, सो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे आप सब कुछ उड़ा भी दो तो मुझे मालूम है कि सेकेंड जो मून का घर है ओरिजिनली वो ये है, और मून वहां से यहाँ बैठा है, मतलब हमें मालूम है टॉरस इज द नेचुरल हाउस ऑफ मून, मून जो सेकेंड हाउस ओरिजिनल सेकेंड हाउस है उसका मालिक होकर के यहाँ बैठा है, तो अब मैं एक और पॉइंट बोलूंगा, ये अलग है इस पर ध्यान देना कि मैं ये टेक्निक अभी तक बताया नहीं है, सेकेंड हाउस मून है, इसका मालिक होकर के यहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे मालूम कि भैया बहुत सारा आपका जो फाइनेंशियल चीजें हैं, क्या होता है आपने बहुत सारे अपने भाई बहनों को बहुत सारा पैसा दे रखा है एज अ कर्जे के रूप, कर्जा इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम इन योर फाइनेंशियल थिंग्स, मनी आपकी, क्योंकि सेकेंड हाउस का मालिक होकर के ओरिजिनल यहाँ पर बैठा है मून, आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी नहीं थी, देयर वर सम इश्यूज इन योर अर्ली अपब्रिंगिंग, क्यों, क्योंकि मून खराब है, मून इज द सीड, सीड ऑफ द अर्ली अपब्रिंगिंग कैसी रहेगी, एंड वाई इज खराब, अब पूछा कि भैया नहीं ऐसा तो नहीं था, मैं कहा ऐसा था, और क्यों था, क्योंकि आपको लगता है कि आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपके भाई बहनों को ज्यादा दिया जा रहा था, आपका टेक केयर होने की बजाय भाई बहन आप लोग भाई बहनों को ज्यादा टेक केयर हो रहा था, क्यों, क्योंकि सेकेंड हाउस का मालिक मून होकर के जेमिनाई में बैठा हुआ है सिक्स पास, सो यू फील लाइक कि यू आर नॉट गिवन दैट दिस थिंग ऑफ लिखना, जो खाना कह लो भोजन कह लो वो जो टेक केयर होता है वो आपको नहीं मिल रही थी, आपके भाई बहनों को ज्यादा मिल रही थी, इस वजह से आपका जो अर्ली अपब्रिंगिंग रहा हमेशा डिस्प्यूट रहा, एंड योर मनी विल ऑल्सो गो इन डेट टू योर सिबलिंग्स, आपके भाई बहन आपसे बहुत सारा पैसा लेकर भाग जाएंगे, नहीं देंगे वापस, सिंपल है ना, मतलब कुछ ज्यादा यूज किया क्या, कितने प्रेडिक्शन हो गई, 20 हो गई, 12, 8 तो ऐसे ही कवर कर लिए थे दो दो से करके, सिर्फ एक प्लैनेट बैठाने से इतनी प्रेडिक्शंस आ सकती है इजीली, चलो कुछ खेलते हैं, खेले अभी मैंने जितनी प्रेडिक्शन बताई ना उसके अलावा तुम्हें अब लिखना है, ठीक है, क्या कर लेते हैं, ये पढ़ ही रहे हैं, फिर पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप कुछ जैसे कर एक दो, मेरे सेकंड हाँ हाउस में है तो एनजीओ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो सब तो बात चली गई ना, वो सब तो बात तुम करो, बात सही है, इसका लोगे इसका थर्ड हाउस लोगे सारी बातें करो, लेकिन अब मैं जो कह रहा हूं वो करो, आप बताना अब जितने बता सकते हो, अभी मैंने एक एलिमेंट और जोड़ा है, नाउ यू कंटिन्यू, इसके आगे बताओ, जो जो चीजें मैंने बता रखी हैं उसके आगे बताना शुरू करो, केतु का एंट्रेंस के हिसाब से यू कैन टेल ऑल जो जो डोर में कैसा होगा, केतु के इफेक्ट होगा एंट्रेंस में, डोर में, गेट में, देन सीक्रेट थिंग्स वो सब उसको अपलिफ्ट करेगा, शी विल हैप्पी बिकॉज़ ऑफ दैट, कुछ छुपा हुआ चीज करने में, और फिर जॉब में उसको बड़ा करने को, मैं मेक समथिंग बिग इन जॉब, वांट टू मेक नॉट छोटा छोटा अनपेड वांट लाइन जॉब, मेक सेंस, और फिर मदर का बहुत, मदर भी वेरी सीक्रेटिव बिकॉज 11th बिहाइंड मदर, 11th हाउस में केतु इज बिहाइंड मदर ना, कुछ सीक्रेटिव थिंग्स होगा मदर का, फिर हार्ट में कोई कट या बाईपास समथिंग रिलेटेड कुछ हो सकता है, और फिर
कैन आई टेक इन केतु एज इनलॉस, तो इन इनलॉस का पेपर वर्क आई कैन डू दैट। ओके क्वेश्चन नहीं पूछना है। ओके केतु इज थर्ड, फ्रॉम केतु इज थर्ड, मतलब तो पेपर वर्क ऑफ इनलॉस, इनलॉस इज केतु। Anything else? Nothing. क्या सर उसके फादर के वर्क प्लेस में पेपर वर्क इनकंसिस्टेंट रहने वाला है, और जो फादर के फैमिली में जो लोग होंगे वो रिलीजियस चीजों के ऊपर उन लोग का बिलीव नहीं होगा। मतलब नाइन्थ में है ना वो जो जेमिनी, नाइन्थ हो जा रहा है, वहां से वहां पे मून है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, वो लोग बिलीव कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे रिलीजियस चीजों को। ओके हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगा शायद, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो किसके नेटिव के कि नहीं, नेटिव के फैमिली में, नेटिव के फादर के फैमिली में, फिर एल्डर सिबलिंग के इनलॉज में किसी को ब्रीदिंग इशू की वजह से किसी का डेथ हो सकता है।